इस वक्त आंदोलनकारियों के विरोध में नारेबाजी अभी भी जारी है और धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ती जा रही है। सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं, तिरंगा झंडा लेकर के लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि नहीं, आंदोलन खत्म होना चाहिए, मंच हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरह से देश का अपमान किया गया, गणतंत्र का अपमान किया गया, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दो तस्वीरें आप देखें, ये दोनों ही तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की हैं। हालांकि पुलिस फोर्स लगातार बढ़ती जा रही है, पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर के पास में मूवमेंट बहुत तेज हो गया है और आप ये देखें कि दिल्ली पुलिस के जवान जो है, ये आसपास के जो लोकल लोग हैं उन्हें समझाने की कोशिश दिल्ली पुलिस के जवान कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग गांव से निकल करके लोग आ रहे हैं, तिरंगा झंडा हाथ में लिए हुए हैं। इनका ये कहना है कि ये प्रदर्शनकारी नहीं है, ये उपद्रवी हैं। सिंघू बॉर्डर को खाली करने को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है आंदोलन के चलते हमारा कारोबार खत्म हो गया। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है आंदोलन की वजह से सिंघू बॉर्डर बदनाम हो गया। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि इनमें वामपंथी हैं, इनमें ऐसे लोग हैं जो कि खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हैं, इस तरह की बातें कही जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर लोगों का प्रदर्शन बहुत तेज हो गया है। ऑडियो आप कर दीजिए। दो तस्वीरें जो आपको नजर आ रही हैं, एक तस्वीर है सिंघू बॉर्डर की और ये दोनों ही तस्वीरें बल्कि सिंघू बॉर्डर की हम आपको अलग अलग कैमरा एंगल से दिखा रहे हैं, जहां पर ऑडियो बिल्कुल आप रखें, जितना मैं बोल रहा हूं अब बिल्कुल आप रहना चाहिए, एंबियंस बिल्कुल डाउन मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे हैं जो वंदे मातरम का नारा भी लगा रहे हैं, जिनका ये कहना है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और तिरंगा दिखा करके, झंडा फहरा करके, हाथों में लहरा करके ये लोग कह रहे हैं। अब सुनते हैं, एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं लोग। एमबीएस साहब,